हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक और शानदार वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ये ब्यूटीफुल सा पेज जिसको हम लोग करेंगे डिजाइन। और ये डिजाइन करने के लिए आपको सबसे पहले चाहिए ब्रीफ। तो चलते हैं चैट जीपीटी के पास। जीपीटी को मैंने बोला था गिव मी डिटेल्स टू क्रिएट लैंडिंग पेज इन फिग्मा फॉर इलेक्ट्रिक स्कूटर। ओके, ये आप देख सकते हैं इसने कितनी सारी चीजें मुझे कितने अच्छे तरीके से दे दिया है। रिसर्च एंड प्रिपरेशन, सेटअप योर फिग्मा फाइल, हेडर, लोगो, नेविगेशन, सिट, ये मेन हीरो सेक्शन, फीचर सेक्शन, टेस्टिमोनियल, प्राइसिंग, पैकेजेस, फुटर एंड ब्ला ब्ला। तो ये सारी चीजें इसने मुझे दे दी। अब इसके बाद आपको चाहिए है इमेजेस। इमेजेस आप कहाँ से लाएंगे? इमेज के लिए मैंने उसको फिर से बोला कि नाउ गिव मी अ प्रॉम्प्ट फॉर मिड जर्नी टू क्रिएट एन अमेजिंग स्कूटर ऑन वाइट बैकग्राउंड, इट शुड बी क्रिएटिव। ओके, तो गाइज ये देखिए जो प्रॉम्प्ट मुझे जीपीटी ने दिया था वो मैंने ट्राई किया था मिड जर्नी पे, तो कुछ ऐसे रिजल्ट निकल के आए थे। ठीक है, मुझे ये बहुत सुंदर लगा था। तो मतलब ये मुझे सच में बहुत प्यारा लगा था, तो ये मैंने इमेज एज अ रेफरेंस लिया था। एक मुझे ये भी अच्छा लगा था, और फिर मुझे लगा नहीं थोड़ा सा इसमें टायर्स को थोड़ा मोटा किया जा सकता है, और आइसोमेट्रिक व्यू में मुझे जो व्यू चाहिए था कुछ वैसा चाहिए था आइसोमेट्रिक। तो ये मोर और लेस जो मुझे चाहिए था उसके आसपास में था। ठीक है, देखिए मैंने उसको अपस्केल भी करवाया है। इसके बाद मैंने थोड़ा सा रिफाइन करके डाला आइसोमेट्रिक में, मुझे अभी भी नहीं मिला था ये जैसा मुझे चाहिए था। तो फिर जब मुझे फाइनली जो मुझे इमेज चाहिए थी वो कुछ ऐसी थी जो कि आपको डिजाइन में दिख रहा होगा। ठीक है, तो ये वाली डिजाइन इमेज का मैंने यूज किया। बाय द वे इसको अचीव करने के लिए मैंने डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट पे भी ट्राई किया था। तो गाइस ये आप देख सकते हैं ये सारी इमेजेस मैंने अपस्केल करवाई थी। ओके, तो इनके साथ थोड़ा बहुत प्ले अराउंड करना था क्योंकि ये इमेज एज इज यूज नहीं हो सकती, बट कॉपीराइट फ्री इमेजेस हैं ये, तो आप इसको किधर भी यूज कर सकते हो। कोई भी इसको कॉपीराइट है, कोई भी अपना Even I cannot claim कि मेरी इमेज है, you cannot use. You can, anyone can use these images, okay? तो आपका ब्रीफ हो गया, आपका इमेज हो गया, okay? अब आपका चाहिए कलर, कलर पैलेट। तो फिर मैंने उसको बोला था मुझे कलर प्राइमरी जो डिजाइन कलर थीम ऑल्सो फॉर द इलेक्ट्रिक स्कूटर डिटेल्स प्रोवाइडेड इट शुड बी प्राइमरी सेकेंडरी एंड सो ऑल्सो तो टर्शरी मैंने नहीं लिखा वहाँ पे, एंड एड सम अमेजिंग ग्रेडियंट कलर कोड्स एज वेल। ओके, तो ये इसने अपनी तरफ से कुछ तो बना के दिया है। ओके, फिर मुझे लगा है कि नहीं ये मेरी इमेज जो मैंने फाइनल करी है इमेज के हिसाब से वो शायद सही नहीं जाएगा, तो फिर मैंने थोड़ा उसको ओवर एक्सप्लेनेशन दिया यहाँ पे। नाउ आई वांट यू टू रीथिंक ऑन द कलर प्रोडक्ट इमेज इज ऑन ग्रे बीज एंड हियर आर द कलर डिटेल्स। तो ये सारे के सारे जो कलर है वो मैं इमेज और बैकग्राउंड से उठा के लाया था। मैंने चैट जीपीटी को बोला उसके बिहाफ पे मुझे ये सारे कलर्स मिले हैं। अब चलते हैं सीधे फिग्मा में। ठीक है गाइज, फिग्मा में आप ये देख सकते हैं, फिग्मा में लोगो, गाइज मैंने लोगो के लिए, लोगो बताना मैं भूल गया हूँ, लोगो के लिए मैं गया था shutterstock.com पे, तो मुझे ये लोगो पसंद आया था जिसको मैंने बनाया। ओके, सो ये लोगो बना के मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। ओके, और ये इस पर मेरा कोई कंट्रोल नहीं है, आई मीन कॉपीराइट हो सकता है, आई एम नॉट श्योर ऑन दैट। तो बट इफ यू वॉन्ट टू यूज यू कैन जस्ट यू नीड टू गो थ्रू द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ shutterstock इफ यू वॉन्ट टू यूज। हाउएवर, सो यहाँ पे अपना इमेज आ गया है, यहाँ पे आपकी जो लोगो है, ये सारे कलर्स हैं जो मुझे कलर्स वहाँ से बन के मिले, आप ये देख सकते हैं 7A 7C 7B। मैं आपको अगर यहाँ पे दिखा दूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 7A 7C 7B। इस तरीके से सारे के सारे कलर्स हैं, ये प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है, ये ग्रेडियंट है, ये वाइट है, और ये जो प्रोडक्ट का कलर है सब थोड़ा सा वैसा है। मुझे लगता है कि थोड़ा सा अगर मैं इमेज को फोटोशॉप में थोड़ा सा रिफाइन करता तो कलर थोड़ा सा ब्राइट हो जाता और बहुत सुंदर लगता। ठीक है, तो अगर आप इस डिजाइन को थोड़ा समझने की कोशिश करें गाइस, तो डिजाइन में फॉन्ट्स जो मैंने यूज किए हैं वो ये है हेलवेटिका, ये भी हेलवेटिका है, सारे के सारे पेज में सिर्फ हेलवेटिका फॉन्ट मैंने यूज किया है, जो कि आई थॉट कि डेवलपमेंट परस्पेक्टिव से सही रहेगा और इजिली कोडिंग इसकी हो जाएगी, ज्यादा डेवलपर को फाइट नहीं मारना पड़ेगा फॉन्ट्स के अराउंड। जस्ट दैट मेरा एक ये वाला फॉन्ट जो मेन हेडिंग वाला फॉन्ट है, एक ये वाला फॉन्ट और एक ये वाला, ये मुझे लगता है कि ये इमेज के साथ भी जा सकता है। ओके, ये इमेज के साथ बन के चला जाएगा एज अ एसेट। ये जो दो फॉन्ट है इसके लिए डेवलपर उसको थोड़ा सा फाइट मारना पड़ेगा। अब हम करते हैं शुरू डिजाइन को बनाना। लेट्स क्लिक ऑन दिस फ्रेम आइकन। ओके, यू कैन सी एफ भी दबा सकते हैं आप, यहाँ पे क्लिक भी कर सकते हैं, यहाँ पे आपको सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। ठीक है, मैं करता हूँ सबसे पहले वाले पे क्लिक जो कि है मैकबुक एयर। ओके, लेट्स पुट ऑन दिस हियर। ओके, नाउ मैं इमेज यहीं से कॉपी कर ले रहा हूँ, इसको मैंने फोटोशॉप में थोड़ा सा बड़ा किया था इस इमेज को, मैं आपको दिखा दूँ यहाँ पे, ये देखिए। तो ये इमेज कुछ इस तरीके का है। इफ़ यू वांट
आई कैन गिव यू द इमेज लिंक ऑल्सो, ठीक है। तो मैं इसको करता हूँ थोड़ा छोटा, या अभी के लिए रहने देते हैं, आई एम फाइन विद दैट। नाउ आई एम ब्रिंगिंग द लोगो हेयर, लोगो को हम यहाँ पे ले आते हैं, ठीक है, और लोगो को कर देते हैं थोड़ा छोटा, कूल। तो लोगो हो गया आपका छोटा, आप चाहें तो साइज यहाँ पे चेक भी कर सकते हैं, लेकिन हम वो हाइजीनिक चेंजेस बाद में करेंगे। अब आपके तीन चार बटन्स आ रहे हैं, उसको हम करेंगे ऑटो लेआउट्स में, एंड लेट्स क्लिक पुट होम। अब ये देखिए फॉन्ट आ रहा है फ्रैंकलिन गोथिक, जो मैंने यूज किया था। फॉर नाउ वी विल बी गोइंग अहेड विद हेल्वेटिका, और इसका हम फॉन्ट साइज रखेंगे 16। तो गाइज मेक श्योर कि जो फॉन्ट, अगर आप फॉन्ट और फॉन्ट का साइज चूज करें, अगर आप पहली बार डिजाइन बना रहे हैं, तो इट शुड बी 8, 16, 24, या फिर 8 या 4 के डिवाइडेशन पे हो, ओके, जो 8 पिक्सल ग्रिड चलता है यहाँ पे। जस्ट मेक श्योर कि यहाँ पे 8 हो या 16 हो, 20 हो, 22 हो, लाइक 23, 25, दिस काइंड ऑफ नंबर्स शुड नॉट बी देयर, ओके। तो यहाँ पे हम लोग इसको रख देते हैं। अभी ये हो गया है 16, ये है बोल्ड, मैं इसको कर देता हूँ बोल्ड, ओके। और कलर यहाँ पे सारे डिफाइन हो रखे हैं मेरे ऑलरेडी, तो ये है 100% ब्लैक, ये आप देख सकते हैं, ये हम यूज नहीं करेंगे, we will try not to use that color, अब थोड़ा सा grayish zone में रहेंगे, और ये मुझे लग रहा है ठीक। तो आपको ऐसे align करने की जरूरत नहीं है, आप simply इसको copy कीजिए और इसमें लिखिए products, और इसको कर दीजिए shift दबा के A, shift A, अब ये हो गया है auto layout, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, shift A दबाने के पहले ये एक साथ मैंने select किया हुआ है। Now when I click shift A, आप देखें यहाँ पे change हो गया है, इसको हम रीनेम कर सकते हैं, जैसे नेविगेशन और मेन्यू बार, वट एवर यू वॉन्ट, ठीक है। अब हम सिंपली इसको करेंगे, इसको एक को सेलेक्ट, आप यहाँ पे डबल क्लिक भी कर सकते हैं, कंट्रोल दबा के क्लिक कर सकते हैं, तो ये एक और, जैसे आप कंट्रोल डी दबाएंगे वैसे एक और वहाँ पे काफी कॉपी हो जाएगा, जस्ट लाइक दैट, वेरी इजी गाइज। नाउ जस्ट से गैलरी, ओके, सेम थिंग, कंट्रोल दबा के आप क्लिक करेंगे, नाउ प्रेस कंट्रोल डी एंड देन कॉन्टेक्ट, ओके। तो ये आप देखिए कितना सुंदर तरीके से बनता जा रहा है। अगेन आप इसको सिंपल इसको सेलेक्ट कीजिए, ये जो आपने अभी फ्रेम बनाया है यहाँ पे, ओके, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे फ्रेम बन बन के आ रहे हैं, ठीक है। तो फिर इसको आप सेलेक्ट करेंगे एंड देन इसको आप चूज करेंगे लोगो को, शिफ्ट शिफ्ट ए। तो ये देखिए अभी जहाँ पे इसका अलाइनमेंट है वो कुछ हिला नहीं है, अभी जैसा था वैसा ही हो गया है। अभी आप यहाँ पे देखिए आपको कंट्रोल खुल गया, आपको सिंपली कर देना है यहाँ पे क्लिक, ये हो गया सेंटर अलाइन, ओके। अभी आप देखें यहाँ पे एक आ रहा है लॉग इन करके, ये बटन की तरह आ रहा है, इसके ऊपर आउटलाइन है, और मैं इसको कर देता हूँ कंट्रोल लाइक काइंड ऑफ दिस, मतलब कंट्रोल डी, ये हो गया कॉपी। अब हम इसको करते हैं लॉग इन, अब वो बोल्ड नहीं है, इसको हम बोल्ड से हटा देते हैं, ठीक है। अब हम फिर से करते हैं कंट्रोल ए, यहाँ पे उसको एक फ्रेम ऐड हो गया है। फ्रेम को हम क्या करेंगे यहाँ पे, क्योंकि ये आउटलाइन है, क्योंकि गाइस मैंने यहाँ पे फिल करके देखा था और इसमें थोड़ा सा इंटरेक्शन होगा, जैसे यूजर इस पर क्लिक करेगा ये काइंड ऑफ फील हो जाएगा, तो जैसे यूजर को फील लगेगा कि इसको हमको क्लिक करना है, देयर इज सम एनिमेशन इज गोइंग ऑन, तो इसके लिए अगर आप पहले ही फील कर देंगे दैट माइट नॉट बी अ गुड फिट, ओके। तो अब हम करते हैं स्ट्रोक पे क्लिक, स्ट्रोक पे क्लिक करते हैं आप देखेंगे यहाँ पे, मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, ठीक है। अभी बहुत सारी प्रॉपर्टीज आपकी एक्टिवेट हो गई है यहाँ पे, आप ये देख रहे हैं एक प्रॉपर्टी ये एक्टिवेट हुई है, एक यहाँ पे 0-0 आ रहा है, ठीक है। इस पर हम स्पेसिंग देंगे, इसको हम कर देते हैं 16, इसको हम करेंगे 8। हम क्यों ऐसे कर रहे हैं 16, हम मैंने इसको 8 क्यों किया, मैंने इसको 16 क्यों किया, अगर मैं इसको 8 करता हूँ तो देखिए स्पेस हो गया छोटा, मुझे चाहिए यहाँ पे स्पेस, दिस इज लाइक लेफ्ट और राइट का स्पेस, इसको मैं कर देता हूँ 16। तो ये आप देख सकते हैं, ठीक है, 8 अगर मैं इसको 16 करता हूँ तो हाइट में बहुत बड़ा हो रहा है, मुझे इतना बड़ा चाहिए नहीं है, ठीक है। तो अब ये आप देख सकते हैं अभी मुझे मोर और लेस सही लग रहा है, मैं यहाँ पे थोड़े से कॉर्नर्स कर दूंगा राउंड, ठीक है। अभी आप ये देख सकते हैं अभी थोड़ा सा मुझे सुंदर लगने लगा है, अब मुझे लग रहा है कि जो इसके अलाइनमेंट है वो थोड़ी सी हिल गई हुई है, ऑलराइट। तो अब यहाँ पे ये पहले से ही सेंटर, अब आप क्या करेंगे, मैं इसको जाऊँगा और ये क्योंकि बस ये वाला पार्ट हिला हुआ है, मैं इसको कर दूंगा सेंटर लाइन, ठीक है। अब ये पेज के सेंटर है, मुझे अगर सपोज लेफ्ट साइड में स्पेस छोड़ना है, राइट साइड में स्पेस छोड़ना है, टॉप साइड में स्पेस छोड़ना है, तो उसके लिए क्या आप करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ एक प्रॉपर्टीज आ रही हैं ऑटो, और ऑटो का मतलब क्या है, अगर मैं स्पेस को बढ़ाता हूँ तो देखो क्या हो रहा है, ठीक है। मैं सबसे पहला काम क्या करूंगा, मैं इसको कर दूंगा सेंटर अलाइन, इसके लिए मैं करूंगा यहाँ पे क्लिक, फिर इसको कर दूंगा टॉप पे अलाइन। अब मैं शिफ्ट दबा के डाउन एरो की दबाऊंगा 3 बार, अगर मैं एक बार दबाऊंगा तो 8 पिक्सल नीचे आएगा ये, दूसरी बार दबाऊंगा तो 16 पिक्सल हो गया, तीसरी बार दबाऊंगा तो 24 पिक्सल हो गया। आपको कैसे पता चलेगा,
आपको सिंपली इस बार को क्लिक करना है और दबाना है, प्रेस करना है ऑल्ट, और जैसे ही आप यहाँ पे आपका कर्सर लेके जाएंगे, देखिए आपको बता रहा है चारों तरफ से कितना स्पेस है, आप ये देख सकते हैं, ठीक है, एक तरफ से 240, एक तरफ 239 है। तो मैं उसको क्या करूंगा, मैं इसको एक पिक्सल बढ़ा दूंगा पहले ही, सो दैट, ठीक है, अभी आप देखिए 0.5 में आ रहा है। मेक श्योर गाइज, आपका कोई भी जैसे वैल्यू जो वो पॉइंट में नहीं होनी चाहिए, मुझे इसके लिए बहुत गंदे लेवल की झाड़ पड़ी थी, तो जिस तरीके से मैं सीखा था मैं आपको अभी से बता दे रहा हूँ, तो वैसा ना हो। अब आप ये देख सकते हैं जैसे ही मतलब यहाँ पे 238, 239 सेम नहीं हो पा रहे, तो अब आप इसके लिए क्या करेंगे, तो उसके लिए गाइस सबसे पहले चीज तो आपको ये देखना है आपको लेफ्ट और राइट से स्पेस छोड़ना कितना है, क्योंकि मैंने ये मैकबुक एयर के लिए बनाया है, तो मेरा ऐसा कुछ डिसाइडेड नहीं था, मैंने तो एक सिंपल रैंडम सा स्पेस छोड़ा हुआ है, ठीक है। मैं आपको अगर रेफरेंस डिजाइन में जाके दिखाऊं तो इसमें आप देख सकते हैं 104 दोनों तरफ से मैंने छोड़ के रखा हुआ है। अभी अभी जैसे मैंने आपको बताया, आप ऑल्ट दबा के अगर कोई भी जो आपने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया हुआ है अगर उसके आसपास आप प्रेस करेंगे तो उसके चारों तरफ की वैल्यूज बता देगा आपको फिग्मा कि उसके आसपास कितना गैप छोटा हुआ है, ठीक है। तो अब इसको हमको सेंटर करना है, ठीक है, तो सेंटर हम कैसे करेंगे, सबसे पहले हम इसको क्या करते हैं, अगर मैं इसको यहाँ से खींचता हूँ, देखिए आप क्या हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे स्पेस बढ़ गया और यहाँ पे, तो बेटर तरीका ये है हम इसको यहाँ, तो आप यहाँ पर डबल क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर आप इसको बढ़ाएंगे ये देखिए तो दोनों तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन अगर ये एक ही तरफ क्लिक है तो एक ही तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है, थीके? तो एक तरीका ये हो सकता है। दूसरा तरीका है कि आप फोटो भी कर सकते हैं तो भी वो सेम तरीके से एक्ट करेगा, ओके। अब अगर मैं यहाँ पे दबा के देखता हूँ गाइस, तो यहाँ पे आ रहा है 10, 112 और यहाँ पे आ रहा है 113। तो या तो मैं एक पिक्सल इसको यहाँ से कम कर सकता हूँ या इसको एक पिक्सल बढ़ा सकता हूँ, वट एवर जो भी आपको फील लगे मैं वो कर देता हूँ, ठीक है। तो फॉर द टाइम बींग अभी के लिए, क्योंकि वो एक पिक्सल मेरा प्रॉब्लमेटिक हो रहा है, मैं इसको कर दूंगा ऐसे, लेट्स फिक्स दिस, ओके, व्हाई इज दिस नॉट गेटिंग फिक्स। ये देखिए गाइस 238 दोनों तरफ से हो गया है। अब अगर मैं इसमें स्पेस ऐड करूंगा तो ये एकदम परफेक्ट जाएगा, मैं जो कर देता हूँ ऑटो पे, और मेरे को लगता है इतना स्पेस ज़्यादा, बहुत ज़्यादा है, तो मैं सिंपली कर दूंगा इसको दिस। अभी 106 है, आप 104 क्योंकि मेरा डिज़ाइन वहाँ पे था, मैं इसको 2 पिक्सल ऑल्ट दबा के, अभी दोनों तरफ बढ़ गया है, तो चेक दिस, यू कैन सी, ठीक है गाइस। तो अगर आपको अगर इसका प्रीव्यू देखना है तो आप सिंपली इस आर्टबोर्ड को सेलेक्ट कीजिए, इट्स नॉट आर्टबोर्ड, आर्टबोर्ड यूज होता है इलस्ट्रेटर में, मैंने थोड़ी सी आदतें पड़ी हुई है ग्राफिक डिजाइन वाली, तो आप सिंपली इस फ्रेम को सेलेक्ट कीजिए जो कि है मैकबुक एयर 2, देखिए यहाँ पे भी लिखा आ रहा है, वो प्रॉपर्टी आपको यहाँ पे भी मिलेगी, और आपको सिंपली क्लिक करना है प्ले बटन पे, तो आप ये देख सकते हैं आपका डिजाइन ऑलरेडी कितना सुंदर बन के आ रहा है। 24 पिक्सल छोड़ने का फायदा गाइस ये हुआ कि होम जो है आपका, ये जो एरिया है जो कट रहा है आपका वेबसाइट का, उसके अंदर नहीं घुस रहा है, और ये इसके नीचे सही आ रहा है, लेकिन मुझे लग रहा है बटन मेरे थोड़े से बड़े हो गए हैं, बटन को छोटा करने की जरूरत है, ओके। तो हाउ डू यू डू दैट, आपको सिंपली जाना है यहाँ पे, और ये आप देखिए 16 है, मैं इसको 14 कर सकता हूँ, लेट्स सी 14, यस दिस इज लुकिंग काइंड ऑफ बेटर, बट मुझे लगता है कि ये और भी छोटा हो सकता है, मे बी इसको भी छोटा कर देते हैं थोड़ा सा, रह गया, नाउ कूल गाइस, दिस इज लुकिंग अ लॉट बेटर नाउ। तो बहुत बड़ा रखने की जरूरत नहीं है इन बटन्स को, जो कि मैंने अपने रेफरेंस डिजाइन में रख दिया हुआ है, ठीक है। अब हम चेक करते हैं इस लोगो का साइज क्या है, हम इस पर डबल क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 95 और ये यहाँ पे आ रहा है 44.71। तो गाइज देखो, बेस्ट प्रैक्टिस तो ये है कि कोई भी आपका जो डिजाइन है वो पॉइंट में ना जाए। अब अगर मैं पॉइंट हटा तो थोड़ा सा वो डिस्टॉर्ट होगा, जो किसी को पता नहीं चलेगा, बट हम इसके साथ रह सकते हैं, लाइक समवेयर लोगो के साथ, लेट्स फिक्स द लोगो साइज, ओके। ये इसका 95 है, मैं इस पे जाता हूँ और मैं शुरू कर देता हूँ, ये भी 89, इसका मतलब लोगो इसके मुकाबले छोटा है। तो आप क्या करेंगे, आपको यहाँ पे ये क्लिक करना, आपको ये बार दिखाई दे रहा होगा कंस्ट्रेंट प्रॉपर्टीज, ठीक है। अब मैं इसको करूँगा 95, लोगो हो गया थोड़ा सा बड़ा, ठीक है। अभी देखिए थोड़ा बाहर जा रहा है, तो टू फिक्स दैट, यहाँ पे मैंने पूरा फ्रेम सेलेक्ट नहीं किया था, मैंने बस वेक्टर उसके अंदर के जो एलिमेंट है मैंने वो सेलेक्ट कर लिया था। अब अगर मैं इसको करता हूँ 95, ये देखिए प्रोपोर्शनली बड़ा हो गया है, आपकी हर एक चीज़ प्रॉपरली अलाइन है गाइस, आप बराबर आप स्पेस चेक करते रहिए, नीचे देखिए स्पेस फिर भी पॉइंट में आ रहा है, जो कि उसको हम फिक्स करेंगे थोड़ी देर में, ठीक है। तो फिलहाल हम देखते हैं इसका जो आर्टबोर्ड का साइज है 1280x832 है, तो इसको हम देखेंगे, मुझे लगता है क्योंकि ये जो इसकी हाइट है वो पॉइंट में आ रही है, उसकी वजह से जो नीचे का एरिया है वो भी पॉइंट में आ रहा है,
आप इसको 45 कर सकते हैं, नॉट एन इशू, ठीक है। तो बहुत बहुत हल्का सा फ़र्क पड़ा होगा जो कि सबको समझ में नहीं आएगा, ओके। तो अब देखिए पॉइंट यहाँ से हट गया। तो गाइज आई एम जस्ट गिविंग यू सम हाइजीनिक अपडेट्स ऑल्सो सो दैट यू कैन क्रिएट ब्यूटीफुल डिज़ाइन, मोर ब्यूटीफुल डिज़ाइन दैन दिस, ओके। अब गाइज इसको क्योंकि आप देख सकते हैं मेरे एक दो एलिमेंट हैं जो इस इमेज के पीछे जा रहे हैं, तो एक तरीका तो ये है कि या तो आप इसको फिग्मा में ही क्रॉप कर लो, दूसरा तरीका ये है कि आप ऑलरेडी एक PNG बना लो फोटोशॉप में और आप उसको यहाँ लेके आओ, ठीक है। तो लेट मी, ठीक है, ये देखिए मैंने फिग्मा में ऑलरेडी फोटोशॉप में इसकी क्रॉपिंग कर रखी थी, तो ये आप देख सकते हैं, ठीक है। अब जो भी मेरे ऑब्जेक्ट होंगे, एलिमेंट्स होंगे, वो इस इमेज के पीछे, जैसे मेरा ये बॉक्स जा रहा है और भी जो चीज़ें हैं वो इसके पीछे ही रहेंगी, मतलब मुझे क्रॉप यहाँ पे करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कूल गाइस, ये आपका चीज़ सेट हो गया। अब आपका आता है गाइस एक्सेसिबिलिटी, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये प्रॉपर पढ़ा नहीं जा रहा है। अब उसको आप फिक्स करने के लिए आप क्या करेंगे, आप सिंपली एक बॉक्स बनाएंगे यहाँ पे, ठीक है। बॉक्स बनाएंगे समथिंग लाइक दिस, आपका ये बॉक्स बन गया है, और आप इसको करेंगे टॉप अलाइन, ठीक है। एंड देन आप इसमें ऐड करेंगे इफेक्ट जो कि होगा लेयर ब्लर। इसका जो कलर होगा वो होगा पूरा एकदम वाइट, ठीक है। थोड़ा उसको हम बाहर भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्योंकि फ्रेम के अंदर है तो वो अंदर ही रहेगा। अब हम इस पर करेंगे इसकी प्रॉपर्टी को ऐड समथिंग लाइक दिस, ताकि वो अपनी जो इमेज है उसके साथ ब्लेंड हो जाए। इसकी जिसको आप न्यूमेरिकल, अगर आपके पास कीपैड है तो आप उसको 5 अगर प्रेस करेंगे, 5, 6, तो आप ये देख सकते हैं जैसे जो भी मैं प्रेस कर रहा हूँ बटन, जो भी XYZ लाइक 1, 2, 3, तो उसी हिसाब से वो जो इसकी ट्रांसपेरेंसी है वो कम या ज़्यादा हो रही है। मैं इसको रखता हूँ 8 पे मुझे लगता है ये सही रहेगा, ठीक है, एक्सेसिबिलिटी को ध्यान में रखते हुए। इसकी थोड़ी कम है तो इसको हम थोड़ा सा कम भी कर सकते हैं, विच इज़ लाइक 7 और मे बी 6 लुकिंग फाइन। थोड़ा सा जो इमेज आपका बैकग्राउंड है उसके साथ वो ब्लेंड हो रहा है। कूल गाइस, तो ये आपका अभी मेन्यू हो गया है, इमेज आके सेट हो गई है आपकी। आपको अगर लगता है बार बार ये जो फ्रेम आपका है ये ऐसे बाहर निकल के काइंड ऑफ इरिटेटिंग सा हो रहा है, तो आप कंट्रोल दबा के इसको इस तरीके से छोटा भी कर सकते हैं, क्योंकि मुझे इतना बड़ा फ्रेम चाहिए नहीं है, बार बार मैं कीबोर्ड अपना कर्सर इधर उधर लेके जाऊँ तो वो ऐसे परेशान करें। अब आप देखिए वो बिल्कुल आपके फ्रेम के अंदर ही एक्ट कर रहे हैं। ऑलराइट, तो आपकी कितनी सारी चीज़ें सेट हो गई गाइस। ये पेज आपका मुझे ऑलरेडी बहुत सुंदर लगने लग गया है, मुझे ज़रूरत नहीं है इसमें कंटेंट डालने की, मुझे लगता है ये ऐसे ही सही लग रहा है। बट एनी हाउ, क्योंकि आपको प्रोडक्ट बेचना है तो आपको प्रोडक्ट ऐड, आपको कुछ डिटेल्स ऐड करनी पड़ेगी। तो अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ EVG2, जो कि इसका एक नकली सा काइंड ऑफ मॉडल नंबर रहेगा, ठीक है, इट विल एक्ट लाइक दैट। आप अब आपकी जो ये वाली लेयर है जो मैं अलग से PNG फाइल बना के लाया था, इसको ऊपर लाने के लिए आप दबाएंगे कर्ली ब्रैकेट, राइट साइड कर्ली ब्रैकेट, ठीक है, ये आ गया ऊपर। और अब क्योंकि ऊपर आ गया है तो हम उसको जो आपकी ये इमेज है इसकी जो टेक्स्ट है उसको हम एडिट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो पकड़ में नहीं आएगा। टू फिक्स दैट, आपको जो स्कूटर जो आपकी यहाँ पे लेयर है उसको कर देना है लॉक। अब आप इसको आराम से एडिट कर सकते हैं, ठीक है। मैं दबा देता हूँ 1 दबा के देखिए, मैंने जैसे ही 1 दबाया ये 10% पे चला गया है, ठीक है। मैं इसको 5% कर देता हूँ एंड टेक इट थ्रू टू एक्सक्लूजन, और मुझे लगता है अभी ज़्यादा डार्क हो रहा है ये, तो 20% गाइस मुझे लगता है यहाँ पे सही है मुझे बहुत। तो गाइस देखो, अगर आप UI बना रहे हो तो सबसे पहली चीज़ जो आप दिमाग में रखते हो इम्फेसाइज, आप किस पार्ट पे यूज़र को चाह रहे हो सबसे ज़्यादा उसका फोकस जाए प्राइमरी, उसके बाद किस पे जाए सेकेंडरी, उसके बाद किस पे जाए टर्शियरी, ओके। तो यहाँ पे जिस तरीके से आप देखिए डिज़ाइन बना, सबसे पहले जो फोकस जा रहा है वो जा रहा है प्रोडक्ट पे, फिर जा रहा है आपका ये जो सेकेंड है, उसके बाद जा रहा है ये इसको मिला के, इसके बाद जा रहा है आपका ऑर्डर नाउ पे। तो जो यूज़र का आप देखेंगे, आपने पढ़ा होगा यूज़र एक्सपीरियंस के बारे में, जो यूजर्स लोग जनरली नहीं पढ़ते हैं, वो लोग स्कैन करते हैं, वो भी F पैटर्न में होते हैं। तो दिस इज काइंड ऑफ नॉट एग्जैक्टली इन दैट पैटर्न, बट चूंकि ये हीरो सेक्शन है तो इसको थोड़ा मैंने उस तरीके से दिमाग में रखा है कि यूजर यहाँ से आएगा, इसको इस तरीके से पढ़ेगा, फिर सीधे यहाँ जाएगा, वो ऑर्डर नाउ करेगा, ठीक है। आप यहाँ पर रीड मोर कर सकते हो, वो ऑर्डर नाउ इसलिए नहीं करेगा क्योंकि अभी उसको प्राइसिंग का डिटेल नहीं पता है, उसको अभी बहुत सारी डिटेल है उस पेज में जो कि है नहीं। तो यहाँ पे ऑर्डर नाउ की बजाय रीड मोर होना चाहिए था, जो कि मेरे से मैंने ऑर्डर नाउ कर दिया था। बट हाउ एवर, ये सारी ब्रीफ आपको कंटेंट टीम बना के देगी अगर आप किसी कंपनी में काम करते हो तो। आपको टेक्स्ट के बारे में सोचना नहीं है, लेकिन आप सजेशंस देंगे कि मुझे लगता है कि इस पेज में यहाँ पे ये चीज़ें आनी चाहिए,
एक बार आपका जो सेक्शन फाइनल हो जाता है फिर उसके हिसाब से कंटेंट उस पर बैठता है काम करने, फिर कंटेंट टीम आपको कॉप कंटेंट देगी, फिर आप इस पर अपडेट करेंगे, राइट। और लेट्स कम बैक टू द अपने डिजाइन के पास, ओके। अब हम आते हैं गियर अप फॉर द, ठीक है, अब हम इसको लिखते हैं गियर अप फॉर द, ठीक है, और इसको मैं चूज करता हूँ फॉन्ट, तो ये सही लग रहा है, फ्रैंकलिन गोथिक मीडियम, ठीक है। अब अगर मैं इसको ऐसे छोटा करूंगा गाइस तो ये होगा नहीं, क्योंकि सिर्फ जो फ्रेम है जिस फ्रेम के अंदर ये आ रहा है टेक्स्ट का, बस वो फ्रेम छोटा होगा ऐसे करने पे। अगर आपको इसको छोटा करना है तो आपको जाना है यहाँ पे, क्लिक करना है, आपको शिफ्ट दबाना है, आपको एरो की दबा के, डाउन एरो की दबाएंगे तो छोटा होगा, अप एरो की दबाएंगे तो बड़ा होगा, और हर बार एक पिक्सल वो छोटा होता चला जाएगा, ठीक है। तो ये हम यहाँ पे लेके आते हैं, मुझे यहाँ पे वाइट भी दिख रहा है बट मुझे लगता है ब्लैक ज़्यादा बेटर दिखेगा, ठीक है, एक्सेसिबिलिटी के परस्पेक्टिव से। तो वैसे बाय द वे गाइस आप एक्सेसिबिलिटी चेक भी कर सकते हैं, देर आर प्लगइन्स, मैं इसका प्लगइन भी ढूंढ रहा था जो कि मुझे मिला नहीं, जो पॉइंट्स में आ रहा है जो कि मैंने मैनुअली किया वो फिक्स करने के लिए। हाउएवर तो प्लगइन्स का हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे जिसमें मैं इस बारे में बात करूंगा, ठीक है। अब हम यहाँ पे लिखते हैं ई ग्लाइड, और मैं इसको फिर से शिफ्ट दबा के अप एरो दबाऊंगा, ये देखिए, ठीक है। अब क्योंकि ये थोड़ा सा मुझे लग रहा है फॉन्ट साइज थोड़ा सा बोल्ड हो सकता है, हैवी में भी नहीं, कंडेंस ही रखना है मुझे, ओके, व्हाट फॉन्ट इज दैट, कूल, अभी मुझे लग रहा है थोड़ा सा और बड़ा हो सकता है। तो आप फोन का डिज़ाइन जो है गाइस, फोन का जो वेटेज है, बाकी चीज़ें अपने हिसाब से चेक कर सकते हैं, इसके लिए आपको प्रॉपर डिज़ाइन सिस्टम मिलता है, ये तो मैं नॉर्मल बना के दे रहा हूँ आपको, डिज़ाइन सिस्टम में काम करना थोड़ा इजी रहता है, ठीक है अभी, बट फॉर दिस इट्स काइंड ऑफ वेरी बेसिक डिज़ाइन, तो वो मैं आपको बहुत बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ जिससे आप डिज़ाइन सुंदर सा बना सकते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं एक जो आपका इसका सीटी आ रहा है, हम वो सीटी बनाते हैं, वो है ऑर्डर नाउ, ठीक है। अब इसको हम करते हैं हेलवेटिका, ठीक है, इसका फॉन्ट साइज मुझे लगता है बहुत बड़ा है, शिफ्ट दबा के एक बार मैं नीचे करूंगा तो ये होगा 24, जो कि मुझे लग रहा है ठीक है, मेक श्योर कि आपके जो अलाइनमेंट्स हैं वो एकदम सही से रहें, ठीक है। ये वाली चीज़ आपके ऑलरेडी मतलब मैंने उसको ऑटो लेआउट में डाल दिया हुआ है। अब मैं फिर से करूंगा शिफ्ट ए करते आप देखिए ये आ गया है फ्रेम में, फ्रेम का आप नाम रीनेम कर सकते हैं, इसको मैं कर देता हूँ सीटी, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग करेंगे स्ट्रोक एड जो कि रहेगा 1 पिक्सल, आप देखिए अब स्पेस के साथ थोड़ा सा हम प्ले कर सकते हैं, यहाँ पे 16 या फिर 24, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं मुझे लगता है जो मेरा टेक्स्ट है वो ये इसको करना पड़ेगा हमको वाइट, और जो बटन है बटन में हमको स्ट्रोक नहीं चाहिए, हमको चाहिए फिल को हम कर देते हैं ये वाला ब्लैक, नॉट 100%, ठीक है। और यहाँ पे मुझे लगता है इसको 12 कर सकते हैं, विच इज़ लुकिंग ग्रेट, बट मुझे लगता है 12 नीचे ऊपर का स्पेस सेम नहीं है, कूल गाइस, ये चीज़ अगेन थोड़ा डिस्कस करने, इसमें वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, अभी के लिए मैं इसको ऐसे ही छोड़ रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि इसका ऊपर और नीचे का स्पेस थोड़ा सही नहीं है, एंड दैट नीड्स टू बी फिक्स्ड। एनीवेज फॉर द टाइम बीइंग लेट्स गेट स्टार्ट, लेट्स मूव फॉरवर्ड, ओके। तो अब हमको बनाना है ये फीचर्स वाला सेक्शन, ठीक है, ये सारा का सारा मैंने ऑटो लेआउट करके रखा हुआ है, आप यहाँ पे थोड़ी सी वाई दैट थिंग इज नॉट कमिंग, एनीवेज तो अब हमारा आता है फीचर्स, सो लेट्स टाइप फीचर्स, और इसको हम रखेंगे हेलवेटिका फॉन्ट, लेट्स मेक इट बोल्ड, और इसका हम कलर कर देते हैं ग्रे जो कि मुझे लग रहा है सही, ठीक है, एंड लेट्स मेक इट अ बिट डार्कर, ठीक है। वाइट पार्ट पे हम लोग थोड़ा बाद में आएंगे, पहले हम लोग बाकी चीज़ें बना लेते हैं टाइप, ठीक है, हम इस टेक्स्ट को दोबारा कॉपी करेंगे और हम इसको लिखेंगे इलेक्ट्रिक स्कूटर, अब इसको हम करेंगे अनबोल्ड, ये हम करेंगे 12 पिक्सल कि बहुत ज़्यादा बड़ा हो रहा है, और इसको हम करेंगे 14 पिक्सल, ठीक है। तो दिस इज लुकिंग नाइस, मैंने फिर से शिफ्ट दबाया है, ये स्पेस देखिए जो स्पेस यहाँ पे जैसे मैं लेके आया 4 पिक्सल दिखा रहा है, जो यहाँ पे आप रेड कलर की या पिंक कलर की लाइनें आप देख पा रहे होंगे वो स्पेस को दिखा रहे हैं, ठीक है, जैसे मैं इसको बढ़ाऊंगा वो बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। अब ये एक डिटेल हमारी आ गई है, इसको हम कर देते हैं इधर थोड़ा सा, और इसको हम करते हैं कॉपी, दूसरे जो डिटेल है वो है वेट, नीचे वाले में हम लोग करेंगे 55 kg, ठीक है, और अब हम इसको फिर से कर देंगे
ऑटो लेआउट, क्योंकि 19 दिखा रहा है, हम इसको 24 तक कर सकते हैं अभी, ठीक है, हम इसको फिक्स करेंगे अभी। इसके बाद आ रहा है आपका ये कॉस्ट, कॉस्ट इन द सेंस पर किलोमीटर कॉस्ट, ये हम कर सकते हैं ₹5 पर km, ठीक है। ये एक तरफ की डिटेल्स हो गई है कंप्लीट। अब हम बढ़ते हैं दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कुछ रंग बिरंगी से लाइनें आ रही हैं, ठीक है। तो हम दोबारा से इसको करते हैं कॉपी ऑल्ट दबा के, और हम इसको करते हैं 35 km, ठीक है। और हम उस लाइन को बनाने के लिए क्या करेंगे, हम यूज़ करेंगे बॉक्स का लाइक दिस, इसकी हम हाइट रखेंगे 4 pixels, ठीक है, और इसको हम कर देते हैं 5, ठीक है। इसकी पहले हाइट मतलब साइज में बहुत छोटा है, तो वो 5 pixels इज एनफ। तो इसको हम दोबारा एक कॉपी करके इसके ऊपर कर देते हैं फिर सिंपल कंट्रोल सी कंट्रोल वी, और इसको हम सिंपली आई दबाएंगे, आई ड्रॉपर का आ जाएगा और हम इसका कलर कर लेंगे कॉपी। तो ये आप देख सकते हैं, ठीक है, हम दोनों को सेलेक्ट करेंगे, दोबारा दबा देंगे शिफ्ट ए, अब ये हो गया फिर से ऑटो लेआउट। अब इस टेक्स्ट को पकड़ेंगे, फिर से ऑटो लेआउट कर देंगे, अब हमारा एक बन गया है एक सिंपल। अब हमको सिंपल क्या करना है, सिंपल आपको करना है इसको कॉपी, और हम करेंगे 22 km, ठीक है। आपको कलर आप चाहें आप यहाँ से जाके भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है, और आप चाहें तो आप यहाँ से कॉपी भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे थोड़ा सा नीचे एक डिटेल आ रहा है जो मेरे से मिस हो गया, तो मैं इसको पहले कर देता हूँ अनग्रुप, या फिर आप रहने भी दे सकते हैं। इसको मैं कॉपी करके ले आता हूँ, यहाँ पे नीचे लिखा रहा है मैक्स स्पीड, ठीक है, तो इसको मैं कर देता हूँ 10। तो डेस्कटॉप है तो डेस्कटॉप पे, ठीक है, इसको सिंपली एरो दबा के आप कर देंगे नीचे। स्पेस आप रखिए 4, 3 नहीं रखना है, ठीक है, अभी मुझे लग रहा है बहुत बड़ा हो रहा है, फिक्स इट बाद में। तो इसको कर देते हैं नीचे 22 km, इसको हम कर देते हैं, लिख देते हैं डिस्टेंस, ठीक है। अभी हम इसको करते हैं फिर से ऑटो लेआउट 24 pixels, ओ पीछे कुछ तो आ रहा है, डिलीट दैट, करते हैं कंट्रोल डी, फिर हम करते हैं 89%। शायद नीचे वीडियो के चैप्टर्स आ रहे होंगे, फील फ्री टू स्क्रब इफ़ यू आर लाइक फीलिंग कि नहीं डोंट वांट टू फॉलो चार्ज, ठीक है। और 89% है तो ये बार को आप थोड़ा सा मैनुअली करना पड़ेगा इसको, ठीक है। और ये कलर आप देख सकते हैं, जैसे मैं जो जो कलर आपने यूज़ किए रहेंगे उसका हिस्ट्री फिग्मा स्टोर करके रखता है, सो दैट इफ इन केस यू वांट टू चेंज एट एनी पॉइंट। और यहाँ पे आ रहा है 150 मैक्स लोड, ओके गाइस, अब आपकी ये दो प्रॉपर्टीज रेडी हो गई हैं। आप फिर से दोनों को पकड़े और कर दीजिए शिफ्ट ए, या फिर से हो गया ऑटो लेआउट, फिर आप इसको पकड़े फिर से कर दीजिए शिफ्ट ए, इसको कर दीजिए, अभी राइट अलाइंड आ रहा है, हम इसको कर देते हैं सेंटर अलाइंड, बीच का जो स्पेस है इसको आप कर दीजिए 36, ओके। अब हम इसको करते हैं फिल, पीछे हम इसको करते हैं 24, थोड़ा हमको ज़्यादा स्पेस चाहिए, हम कर देंगे इसका बॉर्डर 12 pixels, ठीक है। और जैसा कि डिज़ाइन आ रहा है जो हमने ये स्कूटर लॉक किया हुआ है, तो हम इसको कायदे से एडिट अभी कर तो नहीं सकते हैं, तो हम इसको ड्रैग करके यहाँ ला सकते हैं, ठीक है। अभी आप ये देख सकते हैं स्कूटर थोड़ा लग रहा है कि इसके ऊपर इम्बोज होकर आ रहा है, जिसके पीछे से डिटेल निकल के आ रही है, और इसको किधर भी लेके जाइए यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपका हो गया है बॉर्डर ऐड। अगर आपको चाहते हैं करना थोड़ा सा और ब्यूटीफाई करने के लिए, तो यू कैन सिंपली ऐड सम काइंड ऑफ 5, मुझे थोड़ा शेडो चाहिए है, मुझे 15% ही चाहिए है, और 10% ब्लर थोड़ा सा मुझे लगता है और बढ़ सकता है, लुकिंग अलॉट बेटर नाउ। तो गाइज अब आपकी जो आखिरी चीज़ रहती है वो रहती है ये स्लाइडर से ऐड करना, जिससे पता लगेगा कि ये किस तरीके से काइंड ऑफ इफ, थोड़ा सा उसको कर देते हैं ऊपर। अब हम इसको करते हैं अनलॉक, कूल गाइस, तो ये मुझे लग रहा है अब बेटर। अब हम ये सारे सर्कल्स बनाते हैं, डॉट बना दीजिए, बोल सकते हैं सर्कल बोल सकते हैं, जो आपका मन करे आप वो बोलेंगे। तो हम इसको रखते हैं 4 pixels में भी, या फिर 6, ठीक है, इसको कर दीजिए कॉपी, फिर से आप दोनों को पकड़िए, प्रेस कीजिए शिफ्ट ए, फिर से आप इसको कंट्रोल डी करते जाएंगे, तो वो उसी में ही ऑटोमेटिक जितने स्पेस आपने पहले फॉलो किया उतने स्पेस को आगे बढ़ता जाएगा। इसको आप कर दीजिए काइंड ऑफ 12, अभी थोड़ा सा अलाइन इसका हिल गया, आप इसको ऐसा अलाइन कर दीजिए, इसका कलर आप चेंज कर सकते हैं मे बी लाइक दिस एंड, अच्छा ये सारे डॉट का कलर अभी दिख नहीं रहा है,
तो हम इसको क्या कर सकते हैं, यस मे बी और मे बी लाइक दिस। गाइस ये आपका डिज़ाइन बन के हो गया है रेडी। अभी इसमें बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं गाइस, बट मैंने वो सारी चीज़ें उसमें डाली नहीं है। इसको मैंने बहुत मिनिमलिस्टिक डिज़ाइन रखा है अभी के लिए। आप अगर यहाँ तक आप रुके हुए हैं तो गाइस मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, बहुत आपको इससे इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर आपको इन्फॉर्मेशन मिली है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड अगर आपको कुछ प्रॉब्लम्स लगी हैं तो आप डोंट फॉरगेट टू ऐड इन द कमेंट सेक्शन। दिस इज इट फॉर दिस वीडियो गाइज, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू।